नमस्कार दोस्तों, ब्लडी सत्य के एक और खौफनाक एपिसोड में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं निखिल और आज आप लोगों के सामने एक ऐसा सत्य लेकर आ गया हूं जिसे सुनने के बाद आप लोग बहुत ज्यादा चौंक जाएंगे दोस्तों, क्योंकि एक ऐसा सत्य है, ये एक ऐसी सच्चाई है जिसे आपने बचपन से लेकर अभी तक ना जाने कितनी बार कितने ही फिल्मों में, सीरियल्स में और अपने इर्द गिर्द देखे होंगे, लेकिन आप हमेशा उसे इग्नोर कर देते हैं ये सोचकर कि ये सारी चीजें जो हैं ये काल्पनिक है या फिर खेलने की कोई चीजें होगी जिसे लोगों को बेवकूफ बनाया जा रहा होगा। लेकिन दोस्तों, आज का मेरा ये वीडियो देखने के बाद अगर वो चीज आपको कभी भी सड़क में आते जाते कहीं भी दिखाई देगी ना, यकीन मानो आप अपना रास्ता बदल देंगे। दोस्तों, आज की ये घटना, आज की ये सच्चाई, आज के जो सत्य है, ये आधारित है वुडू डॉल। ज़ॉम्बी वुडू डॉल एक ऐसी डॉल होती है जो कि हमने ना जाने कितने सीरियल्स में देखे होंगे, ना जाने कितनी फिल्म्स में कितने बार देखे होंगे। वो होती है ना एक ऐसी डॉल जिसके पूरे शरीर में पिंच हुई जाती है। अभी आपको फोटो दिख रही है, ये एक ऐसी डॉल होती है जिसकी मदद से लाखों लोगों पर जादू टोना किया जा सकता है। बैठे बैठे कोई किसी की भी जिंदगी तबाह कर सकता है। दोस्तों, अगर आप लोग मेरा ये चैनल पहले से देखते आ रहे हैं तो आप लोगों को ये बहुत अच्छे से पता होगा कि इस दुनिया में ऐसे ना जाने कितने खिलौने, गुड्डे, गुड़ियां हैं जिसके जो मतलब एक तरीके से हॉन्टेड होते हैं, भूतिया होते हैं। अगर उनसे किसी का भी वास्ता पड़ जाए तो उनकी जिंदगी हराम हो जाती है। लेकिन दोस्तों, जो वुडू डॉल है ना, ये किसी भी तरह से भूतिया या खौफनाक नहीं होती, बल्कि एक कपड़े की बनाई हुई एक ऐसी सिंपल सी डॉल होती है जो कि हम आए दिनों में बचपन में बनाते थे खेलने के लिए। लेकिन ऐसी डॉल को कपड़े से बनाकर उसके ऊपर जादू टोना किया जाए और उसमें पिन चुभ हुई जाए तो ये एक तरीके से जानलेवा भी हो सकती है। दोस्तों, मेरा किसी भी तरह से अंधविश्वास फैलाने का कोई भी मकसद नहीं है। मैं सिर्फ आप लोगों के सामने ऐसी घटनाएं, ऐसे सत्य और ऐसी चीजें लेकर आता हूं जो जगह जगह पर मौजूद है इंटरनेट के जरिए। आप जैसे लोगों के बीच में से ही कोई लोग उठकर मुझे इंस्टाग्राम में मैसेज करते हैं और उनका ये वीडियो मैं बनाकर आप सभी लोगों का मनोरंजन करता हूं, और दूसरे शब्दों में कहा जाए तो मैं आप लोगों को सतर्क भी करता हूं, क्योंकि होना इन चीजों की सच्चाई होती ही होती है, क्योंकि बहुत सारी ऐसी चीजें हैं इस दुनिया में जो साइंस भी प्रूव नहीं कर सकता, जिसका जवाब किसी के भी पास नहीं है। आज का ये घटना, आज का ये टॉपिक मुझे कोयल रॉय ने इंस्टाग्राम में लिखकर भेजी है। दोस्तों, कोयल ने मुझे इसके बारे में पूरी डिटेल समझाई, फिर मैंने भी इसके अंदर जाकर रिसर्च किया तो ये पाया कि वुडो डॉल, जो वुडू कहा जा सकता है, वुडो कुछ लोग वुडो बोलते हैं, कुछ लोग वुडू कहते हैं, ज़ॉम्बी वुडो डॉल, ये 20वीं शताब्दी से ज्यादा प्रचलन में आई। बहुत सारे लोग इसका उपयोग करते हैं लोगों को हार्म करने के लिए। जो डॉल्स होती है आए दिनों में नॉर्मली बच्चे उनसे खेलते हैं, लेकिन जो वुडो डॉल होती है इनसे बड़े खेलते हैं, किसी की जिंदगी हराम करने की। दोस्तों, वुडू डॉल को हाथ से बनाया जाता है और माना जाता है कि इसके शरीर में जहां जहां पिन चुभ हुई जाएगी वो सामने वाले को भी उसी जगह पर इफेक्ट करेगी। जैसे मान लीजिए कोई एक्स वाई जेड नाम का इंसान है, मतलब मिस्टर एक्स नाम का कोई इंसान है, मिस्टर एक्स मुझसे घनी दुश्मनी रखता है, मुझसे बहुत ज्यादा नफरत करता है, तो वो एक डॉल बनाएगा कपड़े से जो कि दिखने में हूबहू मेरे जैसी ही होगी, मेरे जैसी ही, मतलब अगर वो अच्छा बना सकता है तो मेरे जैसी शक्ल बना देगा, मेरे जैसी बियर्ड बना देगा, हेयर स्टाइल जैसे मैं नॉर्मली शर्ट पहनता हूँ वैसे शर्ट बना देगा, और फिर कुछ तंत्र विद्या की मदद से उसमें एक तरीके से जान फूंक देगा, एक निगेटिव एनर्जी फूंक देगा। उसके बाद वो उस डॉल के जिस जिस भी पार्ट में स्विच भोएगा उस पार्ट में मुझे तकलीफ होगी। माना जाता है कि अगर वो किसी एक पार्ट में ज्यादा बार स्विच भोए तो मेरा वो पार्ट पैरालाइज भी हो सकता है, मतलब इतनी ज्यादा खौफनाक ये चीज हो सकती है। दोस्तों, ये जो चीजें हैं ये इनका वजूद बहुत पहले से था। ये जो वुडू डॉल थी, ये जो तंत्र विद्या थी, ये ना जाने कितने समय पहले से थी इस दुनिया में। लेकिन एक समय ऐसा आया कि एक धर्म, मतलब उस धर्म का मैं नाम नहीं लूंगा, जो कि इंडिया का एक फेमस कल्चर, इंडिया ही नहीं पूरी दुनिया का एक फेमस धर्म है, मतलब उस धर्म के बारे में सब कोई जानते हैं, उस धर्म का नाम सभी लोगों को पता है, एक वो धर्म हो गया। एक अफ्रीकन कंट्री का एक धर्म था जो कि एक छोटा समुदाय था। ये दोनों धर्म आपस में मिले और आपस में मिलने के बाद, इनके मेलजोल के बाद एक धर्म की उत्पत्ति हुई, एक नए धर्म की उत्पत्ति हुई, जिस धर्म का नाम हुआ वुडू।
वुडू ने ऐसी बहुत सारी प्रथाएं अपनाए जो कि हम हिंदू धर्म में भी अपनाते हैं, जैसे कि वो लोग भी यमराज को मानते हैं। लेकिन एक ऐसी शख्सियत जिसका नाम है लुआ गेड़े, जो कि सेम टू सेम यमराज जैसे ही मौत का देवता होते हैं, वो लोग भी एक गॉड को मानते हैं जिनका नाम है डैनी गॉड। माना जाता है कि डैनी गॉड कोई और नहीं बल्कि ईश्वर के ही वंशज हैं, जिनका दर्जा उनकी संस्कृति में, उनकी किताबों में बिल्कुल ईश्वर के समान ही। ऐसे बहुत सारे हिंदू देवी देवता भी वो लोग मानते हैं, लेकिन उनका नाम कुछ और है। लेकिन अगर उनका डिस्क्रिप्शन मिलाया जाए हमारे गॉड्स के साथ तो काफी ज्यादा मिलता जुलता है। वुडू धर्म में बहुत सारे ऐसे लोग हुए जो कि इस तरह का काला जादू करते हैं, तरह तरह की रिचुअल्स करते हैं, विधियां करते हैं, जिसकी मदद से वो शैतान को खुश करते हैं या फिर किसी भी लोगों को आपत्ति पहुंचाते हैं, अपनी सुख समृद्धि के लिए ऐसी चीजें अपनाते हैं। दोस्तों, इस वुडू धर्म के लोगों ने ही एक ऐसी डॉल की उत्पत्ति की, मतलब कपड़े से एक ऐसी डॉल बने, उसके ऊपर ब्लैक मैजिक किया जो कि दूसरे लोगों को हार्म करने के लिए काम आई। फिर काफी समय बाद यानी 20वीं सदी में पूरी दुनिया में ये चीज बिल्कुल आग की तरह फैल गई और इसी रीजन से इस चीज का नाम वुडू डॉल रख दिया गया उनके धर्म के ऊपर ही, क्योंकि उन्हीं लोगों ने उसकी उत्पत्ति की थी ना, इन्वेंशन किया था। ये जो डॉल होती है इसके अंदर ना 7 अलग अलग रंग की स्विच उभरी जाती है। ये जो 7 रंग होते हैं ये अलग अलग एनर्जीज को मतलब रिलेट करते हैं। जैसे कि जो ब्लैक रंग की सुई हुई वो सीधे सीधे रिलेट करेगी ब्लैक एनर्जी को, निगेटिव एनर्जी को। जो रेड होती है वो करती है एंगर को। ऐसे जो 7 रंग होते हैं वो अलग अलग चीजों को रिलेट करती है। दोस्तों, ये जो चीज होती है ना, ये जो वुडो डॉल होती है, ये बहुत ज्यादा खौफनाक होती है, क्योंकि ये 100% सच है। आए दिन इस दुनिया में बहुत सारे ऐसे किस्से उड़ते हैं जो मतलब जो ये साबित कर देते हैं कि वुडू डॉल सचमुच में है, जिसका जवाब कोई भी पुलिस, FBI, CBI नहीं निकाल सकती, कोई भी डॉक्टर नहीं पता कर पाते। छोटे छोटे देशों में, छोटे छोटे कोनों में ऐसी चीजें होती हैं जो आए दिन वहां के अखबारों में भी छपती है, लेकिन उसे हम जैसे लोग, दूसरे बड़े बड़े लोग अंधविश्वास का दर्जा देके बिल्कुल क्लोज कर देते हैं मैटर। लेकिन कितनी सच्चाई है इन बातों में? क्या सचमुच में वुडू डॉल का वजूद है? आपको क्या लगता है कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। मुझे तो लगता है कि वुडू डॉल की सच्चाई सचमुच में होती है। ये जो डॉल है, आप लोग कई बार रास्ते में आते जाते सड़क में चौराहे पे तिराहे पे पड़ी पा सकते हैं। माना जाता है कि अगर आपने इस डॉल को लांग दिए, मतलब इसके ऊपर से क्रॉस कर दिया, कि चाहे बाइक हो, साइकिल हो या पैदल हो, तो माना जाता है कि उस डॉल में जितनी भी निगेटिविटी भरी हुई थी वो सीधे सीधे आप पर लग जाएगी। बहुत सारे लोगों का ये भी कहना है कि अगर किसी के ऊपर जादू टोटका हो जाता है, कहते होंगे ना लोग कि अगर आज तक तो मैं ठीक था लेकिन कल मेरी अचानक से कुछ हो जाता है, मेरे को तबियत खराब हो जाती है और मैं वियर्ड सा बिहेव करने लगता हूं, तो लोग बोलते हैं ना शायद इसने रास्ते में चौराहे में कुछ लांग दिया हो, तो वो भी चीज सीधे सीधे रिलेट कर सकती है शायद वुडू डॉल से ही। वुडू डॉल का नाम हम लोग हमारे गांव में, हमारे क्षेत्र में लोग अलग अलग रखें, लेकिन उसकी सच्चाई वही है। दोस्तों, ध्यान रखना, आज के बाद से आप किसी भी रास्ते से गुजर रहे हो और आपको कोई भी ऐसी चीज दिखाई दे तो उससे थोड़ा क्रॉस होकर चल दें या फिर अपना हो सके तो रास्ता बदल दें। क्योंकि हम अगर भले ऐसी चीजों को नहीं मानते हो, लेकिन अगर इन सारी चीजों की सच्चाई निकली तो हमारा बहुत कुछ बर्बाद हो सकता है। ना जाने कैसी मुसीबत हमारे ऊपर लग सकती है, तो इट्स बेटर ना कि उस चीजों को हम इग्नोर करें और उनसे दूर ही रहें। भले ही विश्वास ना करें लेकिन उनसे दूर रहें। उम्मीद है मेरा ये वीडियो आपको आज का अच्छा लगा होगा। कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, अगर अच्छा लगा है तो इस वीडियो को लाइक कर देना। चैनल में पहली बार आया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। बहुत ज्यादा लेंथी वीडियो नहीं था, मैं सिर्फ आपको एक इन्फॉर्मेशन देना चाह रहा था, जो मेरा मकसद पूरा हो गया वुडू डॉल के ऊपर। आप लोग अब किस टॉपिक पर वीडियो देखना चाहते हैं उसके बारे में भी जरूर बताइए। मुझसे कुछ भी बात करना चाहते हैं या फिर आपके पास भी कोई ऐसी टॉपिक या कहानी है जो आप मेरे साथ शेयर करके पूरी दुनिया को बताना चाहते हैं वीडियो के जरिए, तो आप मुझे इंस्टाग्राम में लिख के भेज सकते हैं। उसकी लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, स्क्रीन पर भी आपको दिख रही है। दोस्तों, मन नहीं करता है इंस्टाग्राम में आने का तो कोई बात नहीं, यहीं पर इंतजार करना। मैं अगले वीडियो में आपसे फिर से बहुत जल्दी यहीं पर मिलूंगा। तो चलिए फिर से बहुत जल्दी मिलते हैं, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।